नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आई होप आप अच्छे होंगे। अच्छे होंगे तो आज बात करने वाले नई होंडा i20 लॉन्च से पहले ही हुई लीक, उसकी जानकारी हमें मिल चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी होंडा इस महीने में अंत में अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कुछ डीलर ने इसे बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं डीलरों ने नई जनरेशन i20 से पहले बैच का ऑर्डर भी देना शुरू कर दिया है। इसमें से कुछ के पास टेस्ट ड्राइव कारों में का पहला बैच पहुंच चुका है। हाल ही में नई जनरेशन i10 की एक तस्वीर इंटरनेट पर देखी चुकी है, जो कि हम उसके थ्रू ही आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो सामने आई तस्वीर में नई i20 पूरी तरह से कवर है, वो बाहर की तरह कवर है, लेकिन हमें पता है उसके बाहर में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमें हेक्सागोनल ग्रिल और इसमें कुनला एलईडी हेडलैम्प के साथ एक बोल्ड लुक मिलने की संभावना है, जो कि हमने इसे आगे बहुत बार देखा है। ये लुक 99% तो यही लुक होगा, भले ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस कार में एक ऑल न्यू इंटीरियर दिया जाएगा, जिसमें फ्रेश डिज़ाइन और लेआउट मौजूद है, जो कि हमें पहले कार मिलता था उससे काफ़ी अलग है। तो इसमें इंटीरियर में हमें एक नया लुक भी देखने को मिल रहा है, जो कि पहले कार आता था उससे काफ़ी अलग लुक देखने में लग रहा है। तो सामने आई तस्वीर में इंटीरियर में एक बड़ा टच स्क्रीन इंटरफेस सिस्टम भी देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता ही है अब सब कार में ये नॉर्मल सा हो गया है। अगर ये फीचर नहीं होता है तो कार एक बद्दी सी कार लगती है, बेकार सी कार। साथ ही में हमें माउंटेन एसी वेंट भी देखने को मिल रहे हैं। टोंगल स्विच के साथ एक कॉम्पैक्ट सेट कंसोल और मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग में आपको बहुत सारे कंट्रोल भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं एक रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है इसके टॉप वेरिएंट में आपको कलर TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल भी मिल सकता है। फिलहाल उसके बारे में हम पक्का नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट में हमें ऐसा पता चला है, ये हो सकता है, होगा तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसमें i20 में आपको कनेक्टिविटी फीचर और वायरलेस चार्जिंग के साथ मल्टी एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसी बहुत सारे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पता ही है वो तो अवश्य देखने को मिलने ही वाले हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी पावर के बारे में। तो पावर होगी तभी तो हमें चलाने में भी मज़ा आएगा। तो नई होंडा i20 में मौजूदा कार में मिलने वाला 1.2 लीटर कंपा पेट्रोल इंजन बेस वेरिएंट में जारी रहेगा, जो कि आपको इंजन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जो पहले आता था वही इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें रेंज टॉपिक पेट्रोल मॉडल में 1.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजेक्शन इंजन मिल सकता है, जिसमें आपको IMT और DCT विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है। साथ ही में आपके डीजल मॉडल में कंपनी 1.5 लीटर का CRDI इकाई को पेश करेगी, जो स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन से ही लेस होगा आपका ये इंजन। तो इंजन में आपको तीन इंजन देखने को मिलेंगे, 1.2, 1.0 और 1.5, जो कि दो हो गए पेट्रोल हो गए और एक होगा वो डीजल का इंजन होगा। तो आपको इंजन भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, पावरफुल इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि वर्तमान कार में भी हमें यही देखने को मिला था। तो आपको बता दूं कि इसमें जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो इंटीरियर एक्सटीरियर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसे कोई इंजन में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो हुंडई i20 प्रीमियम को 5 वेरिएंट में लॉन्च कराया जाएगा, इरा, स्पोर्टी, मैग्ना, एस्टा और एस्टा ओ में लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपको 5 वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होगी, जो कि स्टार्टिंग प्राइस होगी ये 6 लाख रुपये। बाकी टॉप वेरिएंट की प्राइस बहुत हाई तक होगी, देखते हैं कितनी होती है और क्या कुछ निकल के आता है। 28 अक्टूबर को हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि 28 अक्टूबर को लॉन्च होगी। फिलहाल तो पक्का नहीं कह सकते इतनी डेट को होगी लॉन्च, लेकिन 99% तो ये 28 अक्टूबर को ही होने वाली है लॉन्च, क्योंकि अभी आपको पता है सब डीलर के पास भी ये कार पहुंच रही है, सब डीलर इस कार के मंगवा भी रहे हैं, तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ और देखने को मिलता है इस कार के बारे में। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना
और हो सके तो इस वीडियो के रिलेटेड या अन्य कोई भी सवाल जवाब पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसके में भी आंसर दे दूंगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको आगे ऐसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो देखने को मिलती रहे। आप जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे।